और इस बीच कानपुर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर से सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कानपुर में जैसे ही कल असीम अरुण साहब ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि अगला कमिश्नर कानपुर का कौन होगा। तो ऐसे में सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास आप तक पहुंचा रहे हैं कि तीन लोगों के नाम इस रेस में सबसे आगे हैं, पीसी मीणा साहब, मोहित अग्रवाल और नवीन अरोड़ा। इन तीन नामों में से एक नाम पर मुहर लग सकती है, इन तीन नामों में से एक हो सकते हैं पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर, नए नवेले पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर बन सकते हैं। सबसे पहले पीसी मीणा साहब, मोहित अग्रवाल साहब और नवीन अरोड़ा साहब, इन तीनों के नाम रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि कल ही असीम अरुण साहब ने वीआरएस लेने की बात कही थी, वीआरएस लेने के लिए आवेदन उन्होंने कर दिया है, साथ ही बीजेपी में जाने के पूरे उन्होंने संकेत दे दिए हैं। ऐसे में वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन इस बीच कानपुर से निकलकर सबसे बड़ी खबर आ रही है और सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि तीन लोगों के नाम इस रेस में सबसे आगे है, पीसी मीणा, मोहित अग्रवाल और नवीन अरोड़ा। ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहला नंबर प्राथमिकता दी जा रही है यहां पर पीसी मीणा साहब को। तो पीसी मीणा साहब नए पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर हो सकते हैं। इनके अलावा दो और नाम भी रेस में शामिल हैं, मोहित अग्रवाल, नवीन अरोड़ा। तो ये तीन नाम पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर की रेस में सबसे आगे। अब जब वीआरएस लेने की घोषणा कर दी है, असीम अरुण साहब ने आवेदन किया है वीआरएस के लिए और जल्द ही वो वीआरएस लेकर पदमुक्त हो सकते हैं, तो अब ऐसे में पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर के लिए तीन लोगों के नाम सबसे आगे हैं रेस में। तीन नाम पीसी मीणा साहब, मोहित अग्रवाल साहब और नवीन अरोड़ा साहब। इन तीनों में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है और इन तीनों में से कोई एक हो सकता है कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर। यह एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया तक आपके द्वारा आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है कि तीन लोगों के नाम रेस में सबसे आगे है, पीसी मीणा साहब है, मोहित अग्रवाल साहब है, नवीन अरोड़ा साहब है। इन तीन में से कोई एक पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर हो सकता है। आपको बता दें कि कल ही असीम अरुण साहब ने वीआरएस लेने की जैसे ही घोषणा की थी, हर जगह हर तरफ एक ही बात की जा रही थी कि अब अगला पुलिस कमिश्नर कानपुर का कौन होगा। तो ऐसे में सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि तीन लोगों के नाम रेस में सबसे आगे हैं। यह हमारे सूत्रों द्वारा मिली जानकारी है, जहां पर तीन लोगों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, पीसी मीणा साहब, मोहित अग्रवाल साहब और नवीन अरोड़ा साहब। इन तीन में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है, इन तीन में से कोई एक हो सकता है कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर।